वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय लव टिप्स। आज की मेरी वीडियो जो बॉयफ्रेंड एटीट्यूड दिखा रहा है, गेम चेंजर उसे कहते हो आप लोग, कि मतलब वो माइंडेड गेम खेलता है, उसने सारी किताब वगैरह पढ़ी हुई है या रिलेशनशिप से रिलेटेड हर वो चीजें जानता है और वो आप पे गेम अप्लाई कर रहा है। गेम अप्लाई का मतलब सब चीज आपको पता है कि ये हमें इग्नोर कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, गेम खेल रहा है, मतलब भाग रहा है, आ रहा है, जाने भी नहीं देता, छोड़ता भी नहीं है। तो ऐसे कुछ सिमेट्रिक पॉइंट बताऊंगा कि सारे गेम देव इसके तहस नहस हो जाएंगे। जो ये बन रहा है ना राजा, उसको गंगू तेली घोष बना के छोड़ देंगे। और लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा कि रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ऐसे हो रिलेशनशिप में कौन कौन सी मतलब आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेगी या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये आपके लायक है नहीं है। तो सारे पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे, बस एंड तक वीडियो देखना। और इंस्टाग्राम से आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये कुछ होते हैं अपवाद लड़के, 10% श्रेणी में आते हैं ये साले। ये गेम से रिलेशनशिप को खेलना पसंद करेंगे, आप पे रूल ही रूल अप्लाई करेंगे। मतलब अमरीश पुरी कहना चाहूंगा मैं इनको, इनको मारना बहुत जरूरी है एंड में। यू आर ए प्ले बटन, आप एक प्ले बटन बन चुके हो, या आपको रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करते हैं। जब मन हुआ ब्रेकअप कर लेंगे, जब मन हुआ आपकी लाइफ में आ जाएंगे, जब मन हुआ आपको फ्री छोड़ देंगे। आपको कहेंगे अरे यार तुम डिप्रेशन में जा रही हो, तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, लो स्पेस का नाम लेके फिर टपक जाएंगे साला। एक दो प्यार की बूंद गिराई देंगे, मतलब मीठी मीठी मैसेज कर देंगे या मतलब कॉल कर देंगे, आप लोगों को लत लगा देते हैं ये लोग। इनकी औकात बताऊं क्या है, आपको गुस्सा आता है, आप सोचते हो अब इनको छोड़ना है, आप मतलब इनसे ब्रेकअप वगैरह कर लेते हो, तो ये 5 दिन सही रहेंगे, 10 दिन सही रहेंगे, आपसे प्यार से बातें करेंगे, फिर यही हरकतें। इनका मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये अपवाद क्या, ये साले गधे होते हैं, ये मूर्ख होते हैं, इनको तो चौराहे पे खड़ा करके टक्कर मारनी चाहिए और इनकी पकड़ के गर्दन मरोड़ के तोड़ देनी चाहिए। तोड़नी चाहिए नहीं तोड़नी चाहिए इनकी गर्दन? अच्छा तोड़नी चाहिए, मरोड़ेंगे जरूर, बट सारे पॉइंट आपको करने हैं, नहीं तो ये काले पीले बन के घूमेंगे साले। करोगे या नहीं करोगे? अच्छा करोगे, वेरी गुड, आपकी लाइफ बेटर देन बेस्ट बन जाएगी यार। आप खुद अपनी लाइफ को बेटर देन बेस्ट बना सकते हो इनसे दूर रहकर। कैसे दूर रहना है? अब आप कहोगे सर ये तो माइंडेड है, हम जैसा करेंगे वैसा 10 गुना करेगा, 20 गुना करेगा। अरे यार आपको पता है 20 गुना करेगा, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? करने दो बढ़वे को साले को, कब तक करेगा, कब तक मरेगा, मरने दो। इनकी औकात यही है, ये बस रूल ही अप्लाई कर सकते हैं। बट जिस दिन आप अपनी औकात पे आ गए ना, ये गधे बन जाएंगे, ये चूहे बन जाएंगे अपने आगे। भैंस की बीन बजानी पड़ेगी आपको, ताकि ये आपके आगे नाचना पसंद करे। अब आपको उनको फ्री छोड़ना है, आपको कहना ठीक कालिया जा, काला होके आ तू, काला पीला होके आ यार, काला तिलक लगा या काला भैंस बने या भैंस से टक्कर खा, तेरे को जो करना है कर, बस आपको ये कहना ओके बाबू जाओ, ओके जाओ यार, आपको रोना आएगा रो लेना, ठीक है ना। आप मेरी वीडियो देख के मोटिवेट 4-5 घंटे या एक दिन हो सकते हो, बट आप खुद अकेले में जाके सोचो कि ऐसे कोई साथ रिलेशनशिप रखने से कोई मतलब है क्या? क्या मतलब है 10% जो गेम से रिलेशनशिप को चलाते, ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे। इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता आप इनकी लाइफ में रहो या ना रहो, या आपको फिजिकली टॉर्चर करेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, हर जगह से टॉर्चर करके आपकी लाइफ को झंडू बाम बना देंगे। आप एक टाइम में स्मार्ट होगी, क्यूट होगी, और आज आप काली पीली होके बेड रेस्ट कर रही होंगी, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, ये बोले ब्रेकअप कर रहा हूँ, स्पेस चाहिए, कहो ओके बाय, और इनके मैसेज का रिप्लाई लेट किया करो, 15 मिनट लगाया करो, आधे घंटे लगाया करो, इग्नोर करना बहुत जरूरी है इनको। अगर आप टाइम टू टाइम इनको मैसेज डोज देते रहोगे तो ये हीरो और ज़्यादा बनते रहेंगे। इनको गधा बनाना जरूरी है, क्योंकि इनकी औकात ही गधा है, कुत्ते की पूँछ। और इनको सच्चा प्यार कभी हजम नहीं हो सकता, कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती, इनको सच्चा प्यार कभी हजम नहीं हो सकता, कुत्ते है साले ये, कुछ अपवाद। 3 रूल याद रखना जो ये गेम से खेलते हैं ना रिलेशनशिप, आपको पता चल रहा है गेम अप्लाई कर रहा है जा रहा है, ये क्या प्यार से ट्रीट करेंगे आपको, गुस्सा उस्सा इनकी मतलब नस नस में नहीं है। इनके क्या इमोशंस पावर बड़ी स्ट्रांग रहती है, स्ट्रांग मतलब ये क्या 15 दिन बस हाईएस्ट 15 दिन। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करोगे तो ये 2 महीने भी रह लेंगे, 20 दिन भी रह लेंगे, बट आपको क्या है स्मार्टली वर्क करना है अगर करना ही है तो। बट ये रिलेशनशिप के लायक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मैं चलो आपको टिप्स बता दूंगा, ये 10-15 दिन सही रहेंगे, फिर ये कुत्ते वाली हरकतें करेंगे, मुंह मारी करेंगे, इधर उधर चाटा चाटी करेंगे, इनका कुछ हो नहीं सकता। देखो सीधी सी बात ये है, ये 10% होते हैं जो अपवाद श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनको कभी प्यार नहीं मिला हुआ होता, और आप हद से ज़्यादा प्यार करते हो, आपके अंदर लॉयल्टी रहती है और इनको हजम नहीं होती, ये कुत्ते बन जाते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, मतलब आपके साथ बुरा व्यवहार ही करेंगे ये,
डोंट चेक सोशल साइट, मतलब अब आप इसको चेक मत किया करो, इससे बातें कर रहा है, इसको कमेंट कर रहा है, ये कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, लॉयल है मेरे लिए, वो है फलाना ढीकना, अरे यार करने दो, नहीं कर रहा ठीक है, गोली मारो सोशल साइट को, कहीं आप फेसबुक पे लग जाओ, ट्रू कॉलर पे लग जाओ, व्हाट्सअप पे लग जाओ, इंस्टाग्राम पे लग जाओ, ये कमेंट आ गया, ये करना बंद करो, आपका माइंड डिस्टर्ब होता चला जाएगा, आप डिप्रेशन के क्या पता नहीं किस किस के शिकारी बन जाओगे, ठीक है। ब्लॉक मारने से अच्छा है, देखो ब्लॉक मारना हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, ब्लॉक मार दिया, नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर लिया, ये कोई सोल्यूशन नहीं हो, ये क्या रिलेशनशिप को जड़ से ख़त्म करता है, ठीक है, उसमें ईगो आएगा, आप में आएगा, तो कोई लेना देना नहीं है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो। देखो वो मैसेज करे तो आपको तीन बातें हमेशा याद रखनी है, एक तो ये नहीं कहना वो बोले हाय, आप बोल दे तो हाय ओके चलो ठीक है, वो बोल रहे क्या कर रही हो, तो आपको ये जवाब नहीं देना ये कर रही हूँ, तो बात वहीं की वहीं ख़त्म, वो बोलेगा ओके ये, आपको एक ही रिप्लाई देना है, आज से रूल बांध लो, तीन बातें याद रखो, इनकी औकात नीचे गिर जाएगी, बाय टेक केयर, मैं जा रही हूँ, मेरे काम है, मेरे सर आ गए, मेरे वो आ गए, फलाना आ गया, ढीकड़ा आ गया, कालिया आ गया, बसंती आ गई, कुछ भी आ गया, सन्नी देओल आ गया, आपको ये कह के बाय रख के, मतलब नेट ऑफ नहीं करना, नेट चालू रखना है, बट आपको व्हाट्सअप पे ऑनलाइन शो नहीं होना, व्हाट्सअप हटा देना, मतलब डिलीट मत कर देना, अनइंस्टॉल, मतलब व्हाट्सअप से बाहर आ जाना, मैसेज कर रहा है करने दो, समझ आ रही है आपको मैसेज पे कैसे रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप ये मत कहना कुछ ये बसंती कोई सिमरन पवुआ लेके मत बन जाना, सर वो तो 10 गुना अप्लाई करेगा 20 गुना करेगा, अरे यार आपको पता है करेगा तो करने दो ना, मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, समझ नहीं आता है क्या है, डिप्रेशन की शिकारी हो पूरी, मतलब अपनी लाइफ झंडूबाम कर चुकी हो फिर भी उस काले के पीछे पड़ी हो, काला पीला नीला, वो सन्नी देओल आ रहा है कुल्हाड़ी लेके मार रहा आपको, आप मार खा रही हो, क्यों पोपट लाल बना रहे हो अपने आप को, उसको बनाओ ना जेठालाल यार, तब मजा आएगा रिलेशनशिप में यार, मैं जैसे कह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग चल लेना, तीन बातें याद रखना, बाय टेक केयर कॉल करे, शॉर्ट बातें करनी है, और उसके बाय बोलने से पहले आपको बाय बोलनी है, जैसे ही वो कॉल करे हाय क्या कर रही हो, आपको बस एक ही चीज़ शो ऑफ करनी है, आप बिजी हो पढ़ाई में कि यार मैं काम कर रही हूँ, मेरे को पढ़ाई करनी है, ये करनी है, चलो बाय मैं रखती हूँ, बस ये रूल अप्लाई कर दो, डेफिनेटली रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे 100 क्या 200%। और एसओ के साथ रिलेशनशिप रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपसे शादी तो करेंगे नहीं, लिखा के ले लेना मुझसे, ये कुछ काम नहीं आने वाले, ये बस गेम ही अप्लाई करते करते मर जाएंगे एक दिन, ये अपवाद है यार, इनका कुछ नहीं समझ आएगा आपको, आप अभी सोचो आपके साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, एक लॉयल लड़की के साथ इतनी मतलब चीटिंग नेस हरकतें की जा रही है, मतलब आज ही आपको तड़पाया जा रहा है, आपको चंपू बना दिया, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी जिस बंदे ने, उससे शादी करके क्या मिलेगा आपको लाइफ में, कुछ नहीं मिलेगा, बस दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और उस दिन आप तड़पोगे, उस दिन आप पछताओगे मैंने किस लड़के से रिलेशनशिप रख लिया, विजय सही कहता था हमारा हीरो, वेरी गुड, अगर आपको समझ आ रहा है तो, अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा बहुत अच्छे से आ रहा, वेरी गुड, अच्छा गर्दन पकड़ के तोड़ू क्या उसकी, अच्छा नहीं तोड़ू, अच्छा तोड़ दू, तोड़ तो दी यार, और कितनी तोड़ेंगे यार, धड़ा धड़ तोड़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, तो ये मेरी बात आ चुकी है, अपने माइंड में डाल लेना, ये कुछ अपवाद होते हैं 10% लड़के, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये मतलब गेम से रिलेशनशिप को चलाना जरूरी समझते हैं, ये सोचते हैं मतलब ये हमारी गुलाम बन के रहे, ये हमारे लिए रोए और रो रो के मर जाए, इनको मजा आता है इन चीज़ों से, ये बस लड़की को खेलना चाहते हैं, प्यार व्यार नहीं होता इनके मन में, घंटा प्यार नहीं करते, ओनली फॉर ये आपसे सेक्सुअल अटैच होना चाहते हैं, आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आपको डिप्रेशन में डालेंगे, इनको खुशी मिलती है, इनको एनर्जी मिलती है, इसलिए ये आपके साथ ये हरकतें करते हैं, ये 90% लड़कों की श्रेणी में आते ही नहीं है, ये 10% अलग ही रहते हैं, इनसे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होने चाहिए थे, इनको क्या है आपको क्या करना है, लाइफ से निकालना है कैसे भी करके, मूव ऑन करना है, ये तो आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे, मैं आज लिख के दे रहा हूँ, बट आपको इनको हर जगह से हटा के मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। देखो आपको परेशानी होगी 20 दिन 25 दिन, आपको ख्याल आएंगे कहीं और ना चल जाए, किसी के साथ फिजिकल ना हो जाए, ये वो होने दो यार, देखो प्यार है आपकी, आई रिस्पेक्ट, बट आपकी लाइफ ख़राब हो रही है, और आपकी लाइफ एकदम झंड बन जाएगी, आप मर जाओगे, आप खुद सोचो, अगर आप इनको सबक नहीं सिखाओगे तो ये और लड़कियों की लाइफ ख़राब करेंगे, इनके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि यार उस लड़की ने मेरे को छोड़ दिया था यार, मैंने उसके साथ ऐसे करा यार, कहीं ये ना छोड़ दे तो और लड़की की लाइफ सेव होगी आपकी वजह से, तो आपको इनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, निकलना इनकी लाइफ से बहुत ज़रूरी है, आप मेरी ट्रिक्स यूज लोगे ये 10-15 दिन सही रहेंगे, फिर ये तो वही हरकतें करेंगे, क्योंकि यार इनको हजम नहीं होता प्यार यार, मतलब इनको देना ही नहीं आता प्यार, तो इतना ही कहूँगा बच के रहना ऐसो से, नहीं बच के रहोगे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, आप और लड़कियों की लाइफ बचा सकते हो अगर आप इनको आज छोड़ते हो तो छोड़ना ज़रूरी समझो, ये नहीं छोड़ेंगे, निकाल के फेंक दो,
अच्छी तरीके से हर जगह से सिम चेंज करनी पड़े, मोबाइल चेंज करना पड़े, जाना पड़े, निकल जाओ बस जितना हो सके जल्दी से जल्दी यार। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है vijay/meena/7862। बहुत लोग कहते हैं सर आप इंस्टाग्राम पे नहीं मिल पा रहे, किस नाम से आईडी है? तो मेरी इस नाम से आईडी है, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, मेरे कोर्स पोस्ट और मेरी लाइफ स्टाइल के बारे में जान सकते हो। डेली मैं वहाँ पर अपलोड रहता हूँ। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये आप वहाँ पर सर्च करना, मैं आपको मिल जाऊँगा और आप मुझसे बातें कर पाओगे और मेरी हर चीज़ों को फॉलो कर पाओगे और आपको नॉलेज होगी मेरी पर्सनल लाइफ क्या है। तो जल्दी आ जाओ मेरी यूट्यूब फैमिली फटाफट, और वीडियो को दबा के शेयर कर दो अपने आस पड़ोसी दोस्तों को फैमिली को, जहाँ तक हो सकता है फैला दो वीडियो को। आज बम्पर फाड़ मतलब।